हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। दोस्तों आपको ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना तो कोई सामग्री की ज़रूरत है, ना किसी की मंत्र की ज़रूरत है। बिना मंत्र बिना सामग्री वशीकरण लड़की को या स्त्री को या पुरुष को सभी को अपने बस में कर सकते हैं। मन चाहा प्यार पा सकते हैं, खोया हुआ प्यार पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सा भी दिन हो। और शाम को 7 से 12 के बीच में किसी समय आप ये मंत्र ये कर सकते हैं काम, वशीकरण। आपको इसके लिए क्या करना है आइए बताते हैं आगे। आपको इसके लिए आपको किसी अपने घर के आंगन में खड़े हो जाना है, आंगन में खड़े हो जाना है। अगर वहाँ पे कच्ची मिट्टी नहीं है, अगर प्लास्टर है, तो वहाँ पे मत खड़े हो। आप अपने घर के दरवाजे के पास में खड़े हो जाएं, रोड पे खड़े हो जाएं, कहाँ जहाँ कच्ची मिट्टी हो। खड़े होने के बाद वहाँ पे खड़े रहें, वहाँ से पैर के तलवे की, दोनों पैरों की मिट्टी ले लेना है आपको। और एक काला कपड़ा ले लेना है। काला कपड़ा लेने के बाद उस काले कपड़े पर आपको वो मिट्टी को रख देना है। मिट्टी को रखने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को रखने के बाद आपको उसके गांठ बांध लेना है। गांठ बांधने के बाद उसके बाद आपको गांठ बांध के हाथ में मुट्ठी में ऐसे पकड़ लें और अपने प्यार को 10 मिनट तक याद करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें। सोचते 10 मिनट जब हो जाए तो मुट्ठी को खोलना है और उसको रात भर अपने बेडरूम में रखा रहने दें, पूरी रात रखी रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना, सुबह में उठ के किसी चौराहे पे जाना है, उस मिट्टी को रख देना वहाँ पे, कहीं ऐसे स्थान पे रखना चौराहे के अगल बगल कि कोई देखे ना कोई, तो मतलब कोई देखे ना कोई टोके ना, रखा रहने दे। फिर देखे चमत्कार, आपका प्यार आपके लिए कैसे तड़पेगा, बेचैन हो जाएगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा। उसके बाद उस मिट्टी को वहीं पर छोड़ के आप घर सीधा चले आए, हाथ पैर मुँह धिल के आराम से अपने घर बेडरूम में या कहीं पे भी बैठ गए। फिर देखिए आपका कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, आपका प्यार आपके लिए बेचैन हो जाएगा, रह नहीं पाएगा, आपके बिना उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये अजमाया हुआ टोटका है, इसे बहुत से लोगों को खोया हुआ प्यार मिला है और आप लोगों को भी फायदा होगा दोस्तों। और हाँ, अगर नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जानकारी भी नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम।